तो पार्ट वन में तुमने देखा कि कैसे कैप्टन ने सबसे पहले माइंड स्टोन, फिर टाइम स्टोन और सबसे एंड में टेजरेक्ट को रखा, और टेजरेक्ट को रखने के बाद कैप्टन मोराक पे पावर स्टोन रखने जाता है। लेकिन जब वो पावर स्टोन को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो पावर स्टोन को नहीं पकड़ पाता है, और इसी वजह से वो वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और अपने हरी भाई से बोलता है, अबे हरियाली में पावर स्टोन को क्यों नहीं पकड़ पा रहा। और फिर अपने हरी भाई पावर स्टोन को ऑर्ब के गोले में करके कैप्टन को देते हैं, जिसके बाद कैप्टन बिना सोचे समझे ऑर्ब के गोले को वहां रखने जाता है और उसका पूरा हाथ जल जाता है। फिर कैप्टन उसी हालत जेन के बॉडी में रियलिटी स्टोन को रखने जाता है, और जैसे ही कैप्टन जेन के बॉडी में रियलिटी स्टोन को डाल देता है तो जेन डर जाती है और थॉर को बुलाने लगती है, और फिर थॉर म्योनिर को बुलाता है जिसके साथ कैप्टन भी खींचा चला जाता है। और फिर कैप्टन थॉर को उसका म्योनिर लौटाने के बाद वॉर्मिर पे सोल स्टोन लौटाने आता है, और कैप्टन ने सोल स्टोन को कैसे लौटाया वो जानने के लिए पार्ट 3 का वेट करो।